रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। कल देहरादून पहुंचेंगे, दोनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल वो पहुंचेंगे, उसके बाद विधानमंडल दल की जो बैठक होनी है उसमें सभी विधायकों से वो जानेंगे और उनसे बातचीत होगी। उसके बाद विधायक दल का नेता किसे चुनना है इस पर जो है पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और दिल्ली से इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, कल ये दोनों ही जाएंगे, राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी जाएंगे देहरादून और वहां पर होनी है विधायक मंडल दल की बैठक। और उस बैठक में क्या निकल करके सामने आता है उस पर भी लगातार नजर है। अब दिल्ली से ये दोनों जब जाएंगे वहां पर किस तरीके से बैठ के लेंगे, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अगर बात करें तो कल 11 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंच जाएंगे। वहां सबसे पहले संगठन से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों के साथ बातचीत होगी, जिसमें अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं, इसके अलावा सभी सांसद हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो संगठन महासचिव अजय कुमार जी हैं। तो ये तमाम सारे लोगों के साथ पहले बैठक करके बातचीत की जाएगी, फिर इसके बाद विधायक दलों की बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में फिर जो तमाम सारे विधायक दल हैं उनके साथ राय मशवरा करके मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कल कर दिया जाएगा। और 22 तारीख को देहरादून में शपथ ग्रहण होगा, जिसमें तमाम सारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। तो लेकिन कल जब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे उससे ठीक पहले आज देर शाम जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हो सकती है, जिसमें तमाम सारे राज्यों के सरकार के गठन को लेकर के अंतिम मोहर लग सकती है कि जो चार राज्य हैं यहाँ पे किस किस दिन शपथ ग्रहण समारोह रखा जाए और किस तरीके से इस पर आगे की जो तमाम सारे मंत्रिमंडल हैं उसको रखा जाए और मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा इसको लेकर के एक बैठक हो सकती है और अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। कल पर्यवेक्षक उसी के साथ देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर तमाम सारे विधायकों का राय जानने के बाद उस नाम का बकायदा ऐलान किया जाएगा। हालांकि अगर अभी बात करें तो मुख्यमंत्री पद की रेस में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बरकरार हैं और इसके अलावा कई अन्य नाम की भी चर्चा है। लेकिन आज देर शाम जब पीएम आवास पर यह बैठक होगी तो उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा इस पर अंतिम सहमति जताई जा सकती है और कल उस नाम का ऐलान किया जा सकता है विधायक दल की बैठक में। और फिर 22 तारीख को देहरादून के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि कल 20 तारीख है, कल जब ऐलान होगा तो एक दिन का वक्त चाहिए होगा तमाम सारे लोगों को आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि ये शिष्टाचार भी होता है और औपचारिकताएं भी होती है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है नए सीएम का तो उसमें तमाम सारे जो डिग्निटरीज हैं उनको बुलाया जाता है, तमाम सारे जो अतिथि हैं उनको बुलाया जाता है। तो एक दिन का समय लेने के बाद फिर 22 तारीख को उत्तराखंड के अंदर नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन अब आज रात का और इंतजार है, कल उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा और उसके लिए आज देर शाम पीएम आवास पर बैठक हो सकती है। जो हमें सूत्र के अनुसार जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री कश्मीर से लौटते ही पीएम आवास पर जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ वहां पे बैठक करेंगे, जिसमें तमाम सारे राज्यों के सरकार के गठन को लेकर के बातचीत हो जाएगी और अंतिम रूप दे दिया जाएगा कि किस राज्य में किस तरीके से तमाम सारे सरकारों का गठन होना है। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं अविनाश, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक पीएम आवास पर हो सकती है, पीएम मोदी मौजूद रहेंगे और पूरी तस्वीर साफ की जाएगी, फाइनल की जाएगी। तो अविनाश, ये माने कि महज औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं, बाकी सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस औपचारिकताएं रह गई हैं जो कल जाके राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पूरी कर देंगे? देखिए, औपचारिकता ही रह गई एक तरीके से अगर बात करें तो, क्योंकि केंद्र अब लगभग सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज देर शाम तक सहमति बना भी सकते हैं कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे तो वहां पर तमाम सारे संगठन के लोगों के साथ बातचीत करने के बाद और विधायकों के साथ बातचीत करने के बाद उस नाम का ऐलान कर देंगे, क्योंकि ज्यादातर विधायकों ने अपनी दावेदारी के साथ साथ ये जरूर कहा है केंद्र में आकर के कि जो भी केंद्रीय आलाकमान का फैसला होगा उसे वो मंजूर करेंगे। और ऐसा देखने को भी मिला जब 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती थी तो केंद्र का ही फैसला था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाए, फिर उनको जब हटाया गया तो तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला केंद्र का था और पुष्कर सिंह धामी को भी मुख्यमंत्री बनाने का फैसला केंद्र का ही था। तो लिहाजा केंद्र कल अपना फैसला जाकर देहरादून में सुनाएगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। रेस में कई नाम बरकरार है, हर बार फैसला हुआ और फैसला हमेशा आता है दिल्ली से ही, हाईकमान ही फैसला करता है, इस बार भी हाईकमान ने फैसला कर लिया है। बस कल जाकर के बैठक होगी विधानमंडल दल की और उस बैठक के बाद जो औपचारिक हैं वो पूरी की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। कल वहां पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी।